गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज आर नेक्स्ट एंड लास्ट फार्माकोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स. दिस टॉपिक वाज आल्सो स्टडीड, यू स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी क्लास. देखिए, सबसे पहले अभी है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स. मैं बता दूँ, स्टेरिलाइजेशन जो आपने टॉपिक पढ़ा था ना माइक्रोबायोलॉजी में, उसके अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी थी. स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? किसी भी सरफेस को, आर्टिकल को फ्री फ्रॉम माइक्रोब करवाना स्टेरिलाइजेशन है. एंटीसेप्टिक्स और ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब अपन जनरली किसी केमिकल से या फिर फिजिकल मेथड से करवा रहे होते हैं. जब हम केमिकल मेथड से करवा रहे होते हैं तो उस केमिकल मेथड्स या केमिकल सबस्टांसेस को फिर हम क्लासिफाई करते हैं कि अगर वो केमिकल सबस्टांसेस हम लिविंग सरफेस पर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं, और अगर हम लिविंग और डेड दोनों सरफेस पर उसको यूज़ कर सकते हैं तो वो डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं. तो वो केमिकल सबस्टांसेस जो लिविंग सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, तो उन्हें हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं. लिविंग सरफेस जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट और किल कर देने वाले केमिकल सबस्टांसेस को अपन एंटीसेप्टिक कहते हैं. जबकि डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो जनरली इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. अब किसी एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट को हम आइडियल कब मानते हैं? जब वो केमिकली स्टेबल होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि उसके केमिकल नेचर थोड़े समय में चेंज हो गई है, नहीं होना चाहिए. वो चीप होना चाहिए भाई, ताकि आम लोग खरीद सकें. नॉन स्टेनिंग, उसकी वजह से कोई कलर किसी चीज़ के ऊपर ना चढ़ जाए. साइडल यानी ग्रोथ को रोकने और उसको किल, ऑर्गेनिज्म को किल करने वाला साइडल होना चाहिए, और ना केवल ऑर्गेनिज्म इवन उसके स्पोर को भी वो डिस्ट्रॉय कर सके, ऐसा होना चाहिए. सभी पैथोजन के अगेंस्ट में वो एक्टिव होना चाहिए. ऐसे नहीं खाली फंगल ग्रोथ को रोक रहा है ये डिसइंफेक्टेंट, ऐसा नहीं है. सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सके और एक्सपोजर में कम ही समय उसको लगे. एक्टिव हो चाहे ब्लड पस एक्ज्यूडेट और एक्सक्रीटा ही क्यों ना प्रेजेंट हो, उसके बावजूद भी वो एक्टिव रहे. तो ऐसे एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स को अपन आइडियल मानते हैं जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब एंटीसेप्टिक में इन सब प्रॉपर्टीज़ के अलावा रैपिड एक्शन भी होना चाहिए और वो प्रोटेक्शन भी देती हो हमें. टिश्यूज़ में इरिटेशन नहीं कॉज करते, इरिटेशन कॉज करेगी तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. जैसे अल्कोहल होता है, स्प्रिट होती है, इरिटेंट होती है, तो फिर इसको यूज़ करना लोगों को पसंद था, बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं. तो नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल. ऐसा नहीं कि आपने लगा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लिया, ये सब नहीं होना चाहिए. और उसकी टॉक्सिसिटी भी कम से कम, अगर वो एब्जॉर्ब हो भी गई थोड़ी बहुत तो उसकी टॉक्सिसिटी कम से कम होनी चाहिए. और नॉन सेंसिटाइजिंग वो एंटीसेप्टिक होनी चाहिए. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. अब देखिए क्लासिफिकेशन. किसका क्लासिफिकेशन है भाई? ये स्टरलाइजिंग एजेंट्स का, चाहे वो डिसइंफेक्टेंट हो चाहे वो एंटीसेप्टिक हो. क्योंकि मैंने कहा डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट्स होते हैं. तो केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट्स का क्लासिफिकेशन देखिए. सबसे पहला फिनॉल एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हैलोजन्स, बाइगुएनाइड्स, क्वार्टनरी अमोनिया, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एसिड्स, मेटालिक सॉल्ट और डाइस. ये सब आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में. फिनॉल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स में फिनॉल, क्रिसॉल, हेक्साक्लोरोफिन, क्लोरोहेक्सिलिनॉल जिसको आप डेटॉल कहते हैं, ये आते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में H2O2 आती है जो अपन हॉस्पिटल में काम में लेते हैं घाव साफ करने के. हैलोजन्स में आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरोफोर्स आते हैं. बाइगुएनाइडिन में क्लोरहेक्सिडिन आता है. क्वार्टनरी अमोनिया में सिट्रामाइड आती है. एल्कोहल में इथेनॉल और एसिड प्रोपेनॉल आप काम में लेते हो. एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड अपन काम में लेते हैं. एसिड में एस्टिक एसिड, बोरिक एसिड जैसी चीज़ें काम में लेते हैं. मेटालिक सॉल्ट के अंदर मर्क्यूरी के कंपाउंड, सिल्वर और जिंक के सॉल्ट्स काम में लेते हैं. और डाइज में जेंशन, वॉयलेट और एक्रीफ्लेविन नाम की डाई अपन एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं. अब ये जितने नाम अपन ने पढ़े हैं उन सबको अपन अब
डिटेल में स्टडी कर रहे थे, फिनॉल, क्रिसॉल वगैरह इन सब को अपन देख रहे हैं। क्रिसॉल जिसको अपन लाइसॉल भी कहते हैं, ये फिनॉल का मिथाइल डेरिवेटिव है। ये सबसे पहला केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट था जो अपन ने यूज़ किया था, जिसको आप फिनाइल वगैरह के नाम से अपने घर में पोंछे लगा रहे हैं, हॉस्टल में पोंछे लगते हैं, वो फिनाइल यही है, फिनॉल का डेरिवेटिव ही होता है ये। क्रिसॉल जो है वो फिनॉल के कंपैरिजन में हमारे टिश्यू को कम डैमेज करता है, 3 से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव भी है ये फिनॉल के कंपैरिजन में। ये बर्तनों को, एक्सक्रीटा को डिसइंफेक्ट करने में और हैंड वॉशिंग के लिए भी यूज़ में लिया जाता है जो फिनॉल है। हालांकि फिनॉल पहले डिस्क्राइब करना चाहिए था मुझे, मैंने क्रिसॉल डिस्क्राइब कर दिया, सॉरी फॉर दैट। फिनॉल मैंने बोला सबसे पहले बनाया गया था, अर्लीस्ट यूज्ड है, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड है भाई, इसी को देख करके फिर हमने बाकी चीज़ें करनी स्टार्ट करी थी। ये प्रोटोप्लाज्म के लिए पॉइजन होता है, इसीलिए ये अच्छा डिसइंफेक्टेंट माना जाता है, पर इससे टिश्यूज़ और सेल्स में हाई कंसंट्रेशन इसका यूज़ करो तो टिश्यू सेल के लिए इंजरी कॉज कर देता है, इंजर्ड हो जाते हैं, इसीलिए आजकल हम क्रिसॉल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। बैक्टीरिया के प्रोटीन को ये तोड़ देता है, यूरिन, फीसिस और पस को ये डिसइंफेक्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे एक्ट करता है, ये एक्चुअली नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ता है जब ये नेक्रोटिक मैटर और बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करता है। नेक्रोटिक मतलब डेड सेल्स को, डेड सेल्स और बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेगा तो उसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, जिससे कि ये स्लफ को लूज और रिमूव करने का काम आता है और ईयर वैक्स को भी निकालने के काम आता है। मतलब हम इससे घाव की साफ सफाई वगैरह करते हैं, स्लफिंग वगैरह करते हैं, सेल्स जो डेड हो चुके होते हैं वो हट जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्लोरोक्सीलिनॉल यानी डेटॉल, इसमें से अब ये भी सुन लीजिएगा, H2O2 बाद में आएगा, पहले क्लोरोक्सीलिनॉल आएगा, डेटॉल पहले आएगा, H2O2 बाद में आएगा। ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं स्लाइड्स, तो आप नोट डाउन करते समय सही नोट डाउन करिएगा। क्लोरोक्सीलिनॉल जो है ये भी फिनॉल का डेरिवेटिव है, ये प्रोटीन को कोगुलेट नहीं करता, कोरोसिव भी नहीं होता और स्किन में इरिटेशन भी कॉज नहीं कर सकता। कमर्शियली 4.8% सॉल्यूशन में ये अवेलेबल है और सर्जिकल एंटीसेप्टिक के रूप में अपन इसको यूज़ करते हैं। स्किन क्रीम और सोप भी इसकी आती है जिसमें जिसकी कंसंट्रेशन 0.8% होती है और माउथ वॉश में ये 1% होता है, माउथ वॉश भी आता है डेटॉल का। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, ये पर्पल क्रिस्टल्स होते हैं, वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं और ये भी ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसलिए इनका हालांकि एक्शन स्लो होता है पर अगर हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करोगे तो ये बर्निंग कॉज कर देते हैं भाई, जलन मचने लग जाती है, गागलिंग में गरारे करने के काम में आ रहा होता है, कैविटीज़ को साफ़ सफाई करते हैं, भर रहे होते हैं तब भी ये काम में लेते हैं, वूंड की साफ़ सफाई वगैरह के लिए भी ये काम में लेते हैं और पॉन्ड्स के वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम पर मैग्नेट काम में लेते हैं। हैलोजन्स, अब नेक्स्ट कैटेगरी है हैलोजन्स में, आयोडीन, आयोडोफोर, क्लोरीन, क्लोरोफोर, आयोडीन, आयोडोफोर, आयोडोफोर टिंचर जो होता ना वो टिंचर यही है, आयोडोफोर ही है, और क्लोरीन आप जाते हो स्विमिंग पूल वगैरह की जो अपन साफ सफाई करते हैं वो क्लोरीन से किया जाता है। आयोडीन रैपिडली एक्टिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एजेंट होता है, बहुत तेज़ी से एक्ट करेगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बहुत अच्छा माना जाता है। आयोडीनेशन के द्वारा ये एक्ट करता है और माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब तोड़ देगा, सेल्स के लिए काम में लेते हैं, स्किन डीजर्मिंग सर्जरी से पहले उसको साफ़ सफाई करने के लिए, कोई कट लगा होता है स्किन में, कोई कट लगा है डीजर्मिंग हुई है तो उसकी साफ़ सफाई के लिए अपन आयोडीन काम में लेते हैं, इसकी वजह से भी इसके हाई कंसंट्रेशन में बर्निंग कॉज होती है स्किन के अंदर। दूसरा है आयोडोफोर, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है आयोडीन का, इसको अपन पोविडोन आयोडीन भी कहते हैं, ये इरिटेशन नहीं कॉज करता, नॉन टॉक्सिक भी होता है, कलर भी नहीं चढ़ता इसकी वजह से और ये जर्मीसाइडल एक्शन लंबे समय तक जर्मीसाइड जर्म्स को किल कर देता है, ऐसा एक्शन इसका होता है। फफोले पड़ जाएँ, फरंक्यूलोसिस, ये सारे फफोलों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बॉयल्स, फरंक्यूलोसिस मतलब बाल के पास जो हो जाते हैं ना, बाल तोड़ जैसे जिसको कह रहे होते हैं, बर्न में, अल्सर्स में, टीनिया का इन्फेक्शन हो जाए, अगर दाद हो जाता है टीनिया के इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइट्स होते हैं ये। नॉन स्पेसिफिक वेजिनाइटिस, क्योंकि ऐसे तो वेजिनाइटिस कैंडिडा से होता है पर यहाँ हमें अगर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वेजिनाइटिस हुआ है तब भी हम उसमें आयोडोफोर काम में ले सकते हैं। और एंडोस्कोप को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी अपन
आयोडोफोर काम में लेते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन, ये भी तेजी से एक्ट करने वाला जर्मिसाइड है, 0.1 से 0.25 ppm जो है अधिकतर पैथोजेंस को 30 सेकंड में ही किल कर देता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट इसकी एक फॉर्म है, ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि मिल्क कैंस के लिए डेयरी में काम में लिया जाता है। ये बहुत इरिटेंट होता है तो एंटीसेप्टिक्स के रूप में काम में लेते हैं रूट कैनाल थेरेपी में। रूट कैनाल थेरेपी के अलावा अपन इसको एंटीसेप्टिक के काम में ले रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरीनेटेड लाइम जिसको अपन ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, लाइम पर क्लोरीन के एक्शन करवा करके ये अपन प्राप्त कर सकते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर और स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करने के काम में आता है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट कैटेगरी है बाइगुएनाइड्स, जिसके अंदर अपन क्लोरेक्सिडिन काम में लेते हैं। ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है और बैक्टीरियल प्रोटीन को तोड़ देता है। सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन को तोड़ देगा, नॉन इरिटेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा असर दिखाता है। सर्जिकल स्क्रब के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं, बच्चों को नहलाने के लिए, माउथ वॉश करने के लिए और जनरल स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है क्वार्टनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स, जिसमें अपन सेट्रीमाइड काम में लेते हैं। ये डिटर्जेंट एक्शन रखता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन की परमियबिलिटी को ये ऑल्टर कर देता है। इसका यूज़ अपन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में लेते हैं अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है भाई, अधिकतर लैबोरेटरीज वगैरह में अपन इसको काम में लेते हैं, अपने हैंड को और आर्टिकल्स को, सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, जिसमें इथेनॉल काम में लेते हैं। वो एंटीसेप्टिक होता है, क्लिनजिंग एक्शन 40-90% तक का जो अल्कोहल है उसमें क्लिनजिंग एक्शन होता है, तो चीज़ों को क्लीन करने के लिए, इवन हाथों को, पैरों को, सबको क्लीन करने के काम लेते हैं। बैक्टीरियल प्रोटीन को ये प्रेसिपिटेट कर देता है, इरिटेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पर, इसीलिए इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इरिटेंट होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन, अल्सर, ओपन वाउंड्स वगैरह पर अप्लाई ना करें वरना बहुत जलन मचेगी। अल्कोहल में इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल काम में लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में मैंने बताया आपको दो तरह के एल्डिहाइड्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटराल्डिहाइड। किसके काम में लेते हैं, इनकी गैस काम में लेते हैं एज अ फ्यूमिगेशन। एल्डिहाइड को गैसेस फॉर्म में फ्यूमिगेशन के लिए, धूम्रीकरण, रूम्स वगैरह को, वार्ड वगैरह को, ओटी को अगर आपको क्लीन करना है, तो कोई ऐसा थोड़ी हम केवल फिनाइल के पोंछे लगाएंगे, दीवारों पर फिनाइल के थोड़ी ना पोंछे लगेंगे या अल्कोहल से थोड़ी ना वाइप करेंगे अपन चीज़ों को, तो उसमें अपन क्या कहते हैं, धूम्रीकरण करते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसमें 37% एक्वस सॉल्यूशन जिसको आप फॉर्मेलिन कहते हैं वो काम में लेते हैं। 40% फॉर्मेलिन आपने पढ़ा हुआ है स्कूल्स वगैरह के अंदर, जो आपके बॉटनी और जोलॉजी के अंदर आपके जो स्पेसिमेन होते थे उनको अपन प्रिजर्व फॉर्मेलिन में ही करते थे, जिसकी अजीब सी स्मेल हुआ करती थी। ये प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म को तोड़ देता है, प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, डेड टिश्यू को प्रिजर्व करने का काम आता है। मैंने बताया ना स्पेसिमेन को रखा करते थे अपन। ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है, बैड ऑर्डर की वजह से इसको अपन कम काम में लेते हैं, प्लस ये जो है बहुत ज़्यादा इरिटेशन, नेजल इरिटेशन, आईज जलने लग जाते तो इरिटेशन कॉज करता है, इसलिए आजकल अपन इसका यूज़ कम करने लगे, इसकी जगह अपन ग्लूटराल्डिहाइड यूज़ करने लगे। तो ग्लूटराल्डिहाइड है, ये थोड़ा सा कम पंजेंट होता है, लेस इरिटेंट होता है, ना इसकी बदबू बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना ये इरिटेशन ज़्यादा कॉज करता है, इसलिए अपन इसको काम में लेते हैं। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी भी रखता है। 2% सॉल्यूशन साइडेक्स के रूप में अपन डिसइंफेक्टेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट और एंडोस्कोप को डिसइंफेक्ट करने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स में बोरिक एसिड जो कि वीक एंटीसेप्टिक है पर बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, उसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। माउथ वॉश के रूप में काम में ले सकते हो, आईज़ को साफ करने के लिए, ग्लॉसाइटिस किसी को हो गया हो, मुंह में मसूड़ों में सूजन आ जाती है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया कॉज कर देगा अगर ये सिस्टमिकली एब्जॉर्ब हो गया तो, इसलिए इसको पीना नहीं है, खाना नहीं है, इसको खाली कुछ पर्टिकुलर जगहों पर इसको काम में लेना है। नेक्स्ट मेटालिक सॉल्ट्स में जैसे सिल्वर कंपाउंड्स है, सिल्वर सल्फा डायाजीन,
यह स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा माना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो गोनोकोकाई के अगेंस्ट भी बहुत एक्टिव होता है। गोनोकोकल का इन्फेक्शन हो जाता है नाइजीरिया गोनोकोकाई। डाइज में जेंशन वॉयलेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फंगाई के अगेंस्ट ये काफ़ी एक्टिव माना जाता है। इसको क्रॉनिक अल्सर्स में काम में लेते हैं। किसी को बेड सोर हो गया हो, माचे पे सोते सोते बिस्तर पे पड़े पड़े घाव हो जाते हैं शरीर में, तो उसमें जेंशन वॉलेट बहुत अच्छी मानी जाती है। फरंक्यूलोसिस हो गया हो, रिंग वम दाद खाज खुजली हो गई हो, तो अपन ये डाई काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्रीफ्लेविन, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और गोनोकोकाई के अगेंस्ट में काफ़ी एक्टिव होती है। अम्बर कलर की बॉटल में इसको स्टोर करके रखना होता है, वरना ये डैमेज हो जाती है। इरिटेशन कॉज नहीं करती है, इसलिए अपन इसको क्रॉनिक अल्सर और घाव पे काम में ले सकते हैं। बस इसके साथ आपका ये लास्ट टॉपिक ख़त्म, क्योंकि मैंने आपका लगभग फार्माकोलॉजी का कोर्स अपना पूरा हो चुका है। स्टूडेंट्स देखिए, कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपको ऐसा लगेंगे ये नहीं करवाई, क्योंकि वो आपके पूछे नहीं जाते। अपने पास लिमिटेड क्लासेस हैं, लिमिटेड क्लास के अकॉर्डिंग आपका कोर्स पूरा हो चुका है, पर फिर भी अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं करवाऊँ और मैंने नहीं करवाया है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं आपको टॉपिक करवा दूँगी। वरना आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हो चुके हैं। और इस टॉपिक के बाद आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने पुराने पेपर्स उठाइए, उसके अंदर से क्वेश्चंस पढ़िए, देखिए, और उससे डिसाइड करिए कि कोई ऐसा टॉपिक छूट तो नहीं गया जो मैंने आपको नहीं करवाया हो। अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो आप मुझे बताएं, मुझे इन्फॉर्म करें, तो मैं आपको वो टॉपिक करवा दूँगी। इसी के साथ हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास।